Hello world, how are you all? Hope you all are doing very well. And another Avalabunda has already bloomed in my garden, and one bud is there along with it, and they have a tendency to bloom in branches. तो आपको अगर इस तरह के ब्रांचेस में एलोमेंडा के ब्लूमिंग चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज फर्टिलाइज देम वेल एंड पुट देम इन फुल सनलाइट। एलोमेंडा की टेंडेंसी है फुल सनलाइट को कंज्यूम करना, मतलब इसको बिल्कुल भी शेड पसंद नहीं है। और इस तरह के प्लांट्स को आप जितनी डिकम्पोज काउ डंग देंगे और बोन डस्ट देंगे, ये इतनी अच्छी ब्लूमिंग आपको देंगे। सेकेंड प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है और आज भी मेरा मन किया कि मैं आप सभी लवली व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूँ, माय देसी हिबिस्कस। ये रेड कलर की हिबिस्कस जो कि काफ़ी कॉमन है, आप सभी के गार्डन में लगा हुआ होगा। इसको लोग पॉट्स में और लैंड में भी प्लांटेशन करते हैं इसकी, लेकिन इसकी भी अच्छी ब्लूमिंग नॉर्मली समर में बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और समर का सबसे ब्यूटीफुल प्लांट फ्लावरिंग प्लांट में यही है। और हिबिस्कस की सबसे अच्छी यही बात है कि इसको अगर आप फुल सन में रखें और अच्छी तरह से थोड़ी फर्टिलाइजर पर ध्यान दें तो ये आपको साल भर की ब्लूमिंग दे सकता है, एक्सेप्ट विंटर। विंटर में ये डॉर्मेंसी में थोड़ा सा चला जाता है, लेकिन समर में इसकी फुल ब्लूमिंग आपको मिल जाएगी। एंड जैस्मिन यानी देसी मोगरा में भी मेरे ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुके हैं, और मोगरा की प्लांटेशन मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में कर रखी है। एंड आई हैव प्लांटेड अनदर बोगेनविलिया अलॉन्ग विद मोगरा, क्योंकि बोगेनविलिया का ये जो कटिंग है इसको मैं देख रही थी सक्सेसफुल होगा कि नहीं। यस, ये सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है, और मोगरा के भी फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह से ही खिल रहे हैं और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी दे रहे हैं। चंपा के फ्लावर्स तो आप सभी को पता है बहुत खुशबूदार होते हैं, लेकिन बिना खुशबू के भी एक चंपा मिलती है जिसे कहते हैं नाग चंपा। दिस वन इज़ प्लूमेरिया पुदीका पॉटेड इन अ मड पॉट, और ये बहुत अच्छी तरह से समर में फ्लावरिंग करता है और टिल अक्टूबर ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आपको देता रहता है। मेरे गार्डन में प्लूमेरिया पुदीका ने फिर से ब्लूमिंग करना स्टार्ट किया है, और ये सारे बंचेस में जब खिल जाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप सभी लवली व्यूअर्स के साथ। हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द चैनल रजितस गैलेक्सी, में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूं मैं। एंड गाइस, आप लोग कैसे हैं लॉकडाउन में? मेरा तो गार्डनिंग के साथ बहुत अच्छा ही जा रहा है, और इस लॉकडाउन के दौरान अपने स्पेयर टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने बनाया है एक खूबसूरत सा वर्टिकल गार्डन जो कि बिल्कुल भी लो कॉस्टिंग में है। इसका प्राइस बहुत ही लो है, बहुत ही सामान्य प्लास्टिक के कंटेनर से इस तरह के वर्टिकल गार्डन आप लोग क्रिएट कर सकते हो, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। क्योंकि जो प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स काफ़ी अवेलेबल है, ऐसा कुछ अनयूजुअल प्लांटेशन मैंने नहीं की है। एट द सेम टाइम प्लास्टिक के कंटेनर्स का रीयूज करके आप नेचर को भी हेल्प कर रहे हो। इन द सेंस ये हुआ
कि लॉकडाउन का जो स्पेयर टाइम है वो भी यूटिलाइज हुआ, एट द सेम टाइम प्लास्टिक के खाली कंटेनर्स का सही उपयोग करके पॉल्यूशन को भी कंट्रोल में किया हम लोगों ने। बने रहिए मेरे साथ। एंड गाइस एंड मेरे जो लवली सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने 600 तक का सफ़र मेरे साथ पूरा किया। थैंक्स लॉट टू एवरी वन। एंड मेरे वेल विशर्स को यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं रिगार्डिंग गार्डनिंग और जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ टू स्टार्ट गार्डनिंग, क्या ये बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है, या इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव हॉबी ऑब्वियसली, बट यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स इन स्मॉल एक्सपेंस टू। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही पता चलेगा कि गार्डनिंग की जो हॉबी है ये बहुत स्मॉल एक्सपेंस में भी कंप्लीट हो सकती है, बट कुछ करने की चार दिल में रहनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी काम अगर आप प्लान करते हो और उस पर अगर अटल रहते हो और आप अगर स्टिक टू योर डिसीजन रहते हो तो फाइनली वो काम पूरा होकर रहता है। तो यही थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से पता नहीं मैं कितने लोगों के काम आई, पर जिनको कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग गार्डनिंग की बहुत अच्छा लगता है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने शौक को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। गाइस सी, यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं मुझे पता नहीं मैं कैमरा के साथ कितना इंसाफ कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी आप लोग के विजन में आ रहा है सहयोग करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। तो यहाँ पर छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स का प्रयोग किया है मैंने, और क्योंकि इनको मैंने हैंग किया है तो इसलिए मैंने मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी बहुत ही कम किया है, और ज़्यादातर मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का सहारा लिया है ताकि ये कंटेनर्स वेट में हेवी ना हो, बिल्कुल भी ये कंटेनर्स लाइट वेट हो और हैंग करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा हेवी वेट हो जाने से हैंग हो नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो दिस लाइक थिंग्स आई हैव मेड, दिखाती हूँ वन बाय वन। इट्स अ कोलियस गोल्डन पोटैटो वाइन एंड अपराजिता का मिक्स कंटेनर है, मतलब एक ही कंटेनर में आपको कोलियस मिलेगा, पोटैटो वाइन मिलेगा और वायलेट कलर की अपराजिता मिलेगी, और कंटेनर कितना छोटा है सी। तो इस कंटेनर में एक ही सिंगल कंटेनर में तीन प्लांट्स, और इसमें ये जो अपराजिता का प्लांट है ये बहुत खूबसूरती से वायलेट कलर के फ्लावरिंग भी करते हैं। एक मनी प्लांट को इस तरह के पॉट में मैंने लगाया है, और इसके साथ मैंने पर्सलेन को लगा दिया है, तो ये सुबह में ब्लूम करते हैं, अभी शाम का टाइम है इसलिए ब्लूम नहीं किया, तो ब्लूमिंग कंडीशन में भी मैं शेयर करूंगी इसका लुक। यहाँ पर भी अनदर कोलियस इज देयर, एंड ये सारे प्लास्टिक कंटेनर्स जो आप लोग फेंक देते हैं गार्बेज में या कहीं पर भी रोड पर, तो इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। और मैं रहती हूँ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जो कि कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और यहाँ पे वैसे ही पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो मेरे इस छोटे से काम से शायद पॉल्यूशन में थोड़ा कंट्रोल हो जाए। आप लोग भी अगर सिटी में रहते हो या मेट्रोपॉलिटन में रहते हो तो इस तरह के कंटेनर को प्लीज़ एंड प्लीज़ बाहर मत फेंकिए, इनका रीयूज़ ज़रूर कीजिए। ये लकी बैम्बू का प्लांट है, लकी बैम्बू इज वेरी गुड फॉर आवर होम्स, क्योंकि लकी बैम्बू से लक डेवलप करता है, और लकी बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और इससे हमारा लक अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है, मैं मानती हूँ, आप लोग नहीं भी मान सकते हो, बट गुड लुक के लिए इसको आप लोग अपने गार्डन में प्लेस दे ही सकते हो। और यहाँ पर पर्सलेन है, यहाँ पर विंका और पर्सलेन का मिक्स है।
तो गाइस ये थी मेरे वर्टिकल एक छोटी सी वर्टिकल गार्डन की लुक। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक हिट कर दीजिएगा, एंड अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल रजितास गैलेक्सी। टिल देन के लिए हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।